त्रयोदशोध्याय सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके चार भुजाएं और तीन नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के अनुपम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अनान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौस्तुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सुक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मृण्मयी मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गईं। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ।